जाकिर नाइक आपकी नाक के नीचे से भाग गया, जो आतंकवाद की फैक्ट्री 20 साल से देश में चला रहा, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। उसके लिए तो कभी आप इंटरपोल से कभी दूसरी संस्थाओं से कहते हो कि लाइए, आप खुदी थे जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ नहीं गए। मुझे बताइए कि संत दोषी है या जाकिर नाइक दोषी है, जो टेरर फंडिंग का एक्यूज है, आप बार बार उसको ढूंढ रहे हो, आप बार बार कह रहे हो, और वो बाहर विदेशों में बैठा हुआ आपको जो है जीव चिढ़ा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। संत तो कोई नहीं भागा, जिन दिन पर भी आरोप लगे सबने अपने आरोपों का सामना किया। आपने बिना दो चर्चा करे किसी को 3 साल, किसी को 4 साल जेल में डाल दिया। और कम से कम संविधान ये कहता है कि बेल मिलना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, संविधान की धारा 21 के तहत, आप उसको बेल भी नहीं देना चाहते। ये जो परंपरा चल पड़ी है, हमारे यहाँ दधीचि ऋषि की भी परंपरा है, जिन्होंने इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी ताकि उसका वज्र बना के दैत्यों का संहार किया जा सके। हमारे यहाँ उन ऋषियों की परंपरा है जो तपोवन से लेके बद्रीनाथ से लेके एक लंगोटी में जीवन बिता देते हैं और एक जो है आलू भून के खाते हैं उस पर जीवन बिताते हैं। हजारों अन्य क्षेत्र चलते हैं, हजारों गुरुकुल चलते हैं, गौशालाएं चलती हैं, विधवा आश्रम चलते हैं, वृद्ध आश्रम चलते हैं। ये व्यवस्था अगर संत समाज को ना देते तो ये समाज कभी बचता नहीं।